एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको डॉक्टर ऑर्थो ब्रांड के आयुर्वेदिक कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपकी बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देता है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस और डोज, इन सब के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में इसका रिव्यू करेंगे। तो गाइस डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाता है और ये तेल का भी, डॉक्टर ऑर्थो ने तेल भी बनाया हुआ है, इसके कैप्सूल भी हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट इसके मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, जैसी कंधों के दर्द या फिर हाथ की कलाइयों के दर्द, मतलब शरीर के जितने भी दर्द हैं उनसे राहत पाने में ये कैप्सूल काम में लाया जाता है। अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो उस स्थिति में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको दर्द से राहत देने में मदद करता है। ये एक दर्द निवारक तेल है, सॉरी दर्द निवारक कैप्सूल है। इसके अंदर गाइस 60 कैप्सूल प्रेजेंट हैं। इसके अंदर गाइस जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं, सारे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बल्कि आपके शरीर के जितने भी दर्द हैं उनको दूर करने में मदद करेगा। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में गूगल शुद्ध, रसना, मेथी, सुंठी, अश्वगंधा, शिलाजीत और भी काफ़ी सारे इसके अंदर इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं जो कि आपको दर्द से राहत देने में मदद करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, आपके जैसे कि आपके जॉइंट पेन हो रहा है या फिर सूजन है, तो उस स्थिति में आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मांसपेशियों के दर्द को दूर करेगी, मांसपेशियों की जकड़न को दूर करेगी और भी काफ़ी बेनिफिट देगी आपके शरीर को। इसकी खुराक गाइस ये है कि आप इस ये जो कैप्सूल है इसको आप दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। आपको गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है या फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से लेना है, किस तरीके से नहीं लेना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना गाइस इस कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। या फिर गाइस अगर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे पहले एक बार इंग्रेडिएंट चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार इंग्रेडिएंट चेक इसीलिए करें क्योंकि कोई इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो आपको एलर्जी करते हो, इसीलिए गाइस हम आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह देते हैं। वैसे तो गाइस इस कैप्सूल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया है कैप्सूल, पर फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर करें। आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से परचेज कर सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन से भी इसको खरीद सकते हैं या फिर किसी अन्य साइट से भी ले सकते हैं। जैसा आपको सही लगे, सस्ता अफोर्डेबल लगे वैसे आप इसको खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो गाइस आपको ऑनलाइन खरीदने के लिए ही सजेस्ट करूंगी क्योंकि ऑनलाइन ही आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है। गाइस अगर आपको ये मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ये कैप्सूल नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी शेयर की हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते दामों में भी ये मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी औषधि है गाइस, बहुत ही अच्छी दर्द निवारक कैप्सूल है जो कि आपके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, हाथ की कलाइयों के दर्द या फिर सूजन, मांसपेशियों की जकड़न, अकड़न या इस प्रकार के दर्द से अगर आप परेशान हैं तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें जो कि सभी प्रकार के दर्द से आपको राहत देने में मदद करेगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, इस कैप्सूल के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। पर याद रखिएगा, इस डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें, खुराक से ज़्यादा मात्रा में न लें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।